हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है एडीजी ग्रुप के शेयरों के बारे में बताया जाएगा, पूरा एनालिसिस होगा, किस तरह से ये न्यूज़ आ रहे हैं, किस तरह से इनमें ट्रेड हो रहा है, सारा कुछ लेटेस्ट। और जो नए लोग देख रहे हैं इस चैनल को, वो अगर ये वीडियो आप लोग तक पहुंचे तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन उसे दबाइए और बेल आइकन आता है उसे दबाइए, ताकि आपको जब भी नया वीडियो मिले नोटिफिकेशन के थ्रू तो सबसे पहले मिलेगा। और लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। देखिए, एडीजी ग्रुप, अनिल धीरूभाई अंबानी, इन शेयरों में काफ़ी ट्रेडिंग होती है। पिछले कुछ सालों से सेलिंग साइड में ज़्यादा होता है, और अब ये रिलायंस कम्युनिकेशन डिफ़ॉल्ट पे है, और काफ़ी इन्वेस्टर और जो रिटेलर हैं वो इन स्टॉकों में फंसे हुए हैं। अब रिलायंस कम्युनिकेशन को एनसीएलटी के थ्रू इसका सॉल्यूशन होगा। इन्होंने खुद ही जो है एनसीएलटी में अपना दाखिला किया है कि उनका जो की एलिमेंट था टावर और बिजनेस का, जो टावर बिजनेस और को बेचने का। तो फ्रेंड्स, अब ये इनका जो ग्रुप है, देखिए जब आरकॉम आया था, काफ़ी बड़ी कंपनी थी, इन्होंने कुछ बैड डिसीज़न के कारण, इनके कुछ बैड डिसीज़न के कारण आज आरकॉम डिफ़ॉल्ट के कगार पे है। अब इसका इफ़ेक्ट और भी इनके जो कंपनियां हैं, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा, आर पावर, आर नेवल, ये सब में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर इनके पास, देखिए अब 270 डेज़ है, काफ़ी लोग इसमें फंसे हुए हैं जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं, और छोटा स्टॉक है, काफ़ी ऊपर तक स्टॉक को देखा था, आरकॉम को, रिलायंस कैपिटल को, रिलायंस इंफ्रा को। अगर फ्रेंड्स इस डिफ़ॉल्ट में जो प्रक्रिया शुरू होगी, अगर इनका न्यूज़ आती है कि कोई भी कंपनी इसको ख़रीदने को तैयार होती है, तो हो सकता है कि इनके जो ग्रुप के शेयर्स हैं ऊपर की तरफ जाएं, तो आप निकलने, एग्जिस्ट होने की कोशिश करिए। देखिए, अभी तक जियो के साथ जो डील चल रही थी, 45,000 करोड़ का कर्जा है, डेप्ट है रिलायंस कम्युनिकेशन पे, और पूरे ग्रुप पे 1 लाख करोड़ के आसपास। मैंने एक और वीडियो पोस्ट किया था और उसको भी आपने देखा होगा। इसके लिए, इसलिए जो वीडियो आता है उसको आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो नए लोग देख रहे हैं, और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिले। सारा कुछ इस यूट्यूब चैनल से आपको अपडेट मिलेगा, न्यूज़, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल दबाइए। फ्रेंड्स, आरकॉम जो है काफ़ी नीचे है, 6 रुपये में ट्रेड कर रहा है इस वक्त। अब ये जो ऊपर के लेवल पे लिए हुए हैं, तो अगर आप इसमें अच्छी न्यूज़ आती है तो आप इसमें एग्जिस्ट होने की कोशिश करिए, क्योंकि इनका जो स्टार्ट था 2004 और 5 में, जो मार्केट कैप था आरकॉम का 1 लाख करोड़ से ऊपर का, 1.5 लाख करोड़ के आसपास था, अब जाके 3,000 और 4,000 करोड़ के आसपास का हो गया है। तो ये अपना टावर बिजनेस पहले जियो को बेच रहे थे, अब एनसीएलटी के थ्रू जो काम होगा, हो सकता है उसमें भारती भी हो, और भारती एयरटेल और जियो, अगर इनका बिजनेस सेल होता है तो हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स जम करें। और कोशिश करिए, देखिए अभी इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेटर है, इनके ग्रुप में कंपनियों में जो ट्रेड करते हैं, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी 1 या 2 साल से जो है सेल साइड में इनमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है इनके स्टॉक्स में। अब अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो एग्जिस्ट होने की कोशिश करिए।
और अपने स्टॉप लॉस जो है प्रॉफिट, अगर आपका रेट आ रहा है तो उसमें स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो आप लोगों को ये अपडेट करने का रीज़न जो है कि अब डिफ़ॉल्ट के कगार पे है आरकॉम, जो लोग नए लोग देख रहे हैं वो ध्यानपूर्वक सुनिए, डिफ़ॉल्ट होने के कगार पे है आपको। अगर आरकॉम नीचे मिल रहा है, 5-6 रुपये पे मिल रहा है, तो आप अपने रिस्क पे और अपने अमाउंट को किस तरह से आप समझते हैं उसके हिसाब से इसमें ट्रेड करिए। और जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका व्यू ये रहेगा कि जब अच्छी न्यूज़ आ जाए और ये कुछ अपने अच्छे डिसीज़न लें, तो हो सकता है कि ऊपर की तरफ भी अगर आपको मिले तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर अच्छे डिफ़ॉल्ट से निकले तो आप इन शेयरों में इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ADG ग्रुप में ट्रेड कर रहे हैं वो पहले समझिए किस तरह से इसमें न्यूज़ आ रहा है, किस तरह से इसमें अपडेट हो रहा है, तो सारा कुछ लेटेस्ट इस चैनल से मिलेगा। उसके लिए जैसे मैंने बताया कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन का बेल दबाना पड़ेगा। ढेर सारी न्यूज़ें आपको और साइड और जगह से भी मिल सकती हैं। अगर YouTube आप देखते रहते हैं तो आप इस चैनल को थ्रू आपको सारा कुछ स्टॉक मार्केट का, इंडिया स्टॉक मार्केट का सारा अपडेट और रिजल्ट, न्यूज़, ट्रेंड, ट्रेंडिंग किस तरह का होता है सारा कुछ बताया जाता है। तो ADG ग्रुप में अगर आप इन्वेस्टमेंट है ऊपर के लेवल पे जो फंसे हुए हैं, अगर किसी वजह से और अच्छी न्यूज़ आने की वजह से ऊपर की तरफ जाता है तो एग्जिस्ट होने की कोशिश करिए। अभी देखिए 6 रुपये आरकॉम चल रहा है, 150 के आसपास रिलायंस कैपिटल है और 226 के आसपास रिलायंस इंफ्रा है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आप देखिए जिन्होंने गिरते वक्त अगर लिया था, कल लिया था, जिन्होंने सेल साइड में किया था वो तो प्रॉफिट उन्होंने लिया होगा, बट जिन्होंने बाय किया था अगर उन्होंने इंट्राडे में नहीं किया तो देखिए फिर वो 5 या 10% नीचे आपको दिख रहा है। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर ये किसी वजह से बैड न्यूज़ और डिफ़ॉल्ट और आरकॉम न्यूज़ आती है तो ये सारे शेयर्स आपको नीचे की तरफ दिखेंगे। अब कंपनी ने डिफ़ॉल्ट होने के कगार पे अपना NCLT में गए हैं। 1 साल पहले एयरसेल भी इसी तरह से हुआ था, तो अब कौन सी कंपनी इसे खरीदेगी उसके बिहाफ पे अगर न्यूज़ आती है और शेयर ऊपर की तरफ आपको मिलते हैं तो अपना स्टॉप लॉस के थ्रू अपना जिस रेट पे आपने लिया है अगर उसके ऊपर भी जाते हैं तो प्रॉफिट बुक करिए, जिस रेट पे नहीं है तो आप अपना डिसीजन मेकिंग करिए। इसमें देखिए इस ग्रुप में काफ़ी अभी हलचल होगी आने वाले दिनों में, और जो नए लोग देख रहे हैं अपने, जैसे मैंने अभी बताया कि अपने रिस्क के ऊपर आप काम करिए, और जब कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट के कगार पे होती है तो शेयर्स के पिटा उसको नीचे तो आना ही है, जाहिर सी बात है। तो अब इनके पास 270 डेज़ हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनका जो बेचने का प्लान था वो की एलिमेंट है इनका, और ये आप BSE इंडिया के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है उस पर भी इन्होंने डाला है। बट ये है कि इनके ऊपर काफ़ी डेप्ट होने की वजह से तभी ये डिफ़ॉल्ट के आरकॉम डिफ़ॉल्ट के ऊपर गया है। और दूसरे जो शेयर्स हैं जो ये सोचते हैं कि दूसरे शेयर्स के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होगा, देखिए ग्रुप कंपनी है जाहिर सी बात है, फिर इनको लोन लेने में भी और एक्सटेंड करने में भी दिक्कत होगी आने वाले दिनों में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपना व्यू और एनालिसिस करके इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। और जो डे ट्रेडिंग करते हैं और सोचते हैं कि ये ऊपर चला जाएगा, तो अपना व्यू और एनालिसिस, न्यूज़ किस तरह से आ रहे हैं उसी तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। तो ADG ग्रुप काफ़ी इसमें हलचल हो रही है, आने वाले दिनों में भी काफ़ी हलचल होगी। तो आप अगर ये जहाँ पे आपने लिया है अपना व्यू और रख के उसमें एग्जिस्ट होने की कोशिश करिए, किस तरह से न्यूज़ आ रही है अपडेट होने की कोशिश करिए। आपको न्यूज़पेपर और तमाम जगह से न्यूज़ इसमें मिलती हैं, और इन स्टॉकों से आप अभी फ़िलहाल दूर रहें तो बेहतर रहेगा। अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ADG ग्रुप की बात मैं बता रहा हूँ कि जैसे बताया कि इन स्टॉकों में अभी आप डे ट्रेडिंग के अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे दूर रहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह की ये ADG ग्रुप का जो अभी डिफ़ॉल्ट के कगार पे है आरकॉम,
और अपने बैड डिसीजन की वजह से ये सब नीचे की तरफ है और काफ़ी कंपटीशन है। देखिए जियो के काफ़ी जब से जियो आया है तो और कंपनियों में जो टेलीकॉम की कंपनी है काफ़ी प्रेशर है और इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा। अब आरकॉम का जो बिज़नेस है अगर सेल हो जाता है, जो टावर बिज़नेस है सेल हो जाता है, तो हो सकता है कि थोड़ा जंप करें। फिलहाल आप इस इन शेयरों से दूर रहिए। तो ये बता ये आप लोगों को अपडेट था मेरा। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, इसी तरह से अपडेट आप लोगों के लेके आएंगे। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को ताकि उनको भी नॉलेज मिले शेयर मार्केट का। फिर नया वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।